स्टूडेंट प्रश्नावली 6.2 का ये सवाल है। इसमें एक चित्र दिया है जिसमें ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और इनकी एक कोई तिर्यक रेखा है और इसमें एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करने हैं। साथ में ये भी दिखाना है कि ए बी रेखा सी डी के समांतर है। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर आप चित्र से देख सकते हैं वाई और 130 ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनसे जो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण ये आपस में बराबर होते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि y और 130 डिग्री ये दोनों बराबर हुए क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर 130 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है y और 130 डिग्री। यहाँ पर दो रेखाएं, एक सीधी रेखा और ये तिर्यक रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है, इससे दो कोण y और 130 डिग्री बन रहे हैं जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो x और 50 डिग्री है ये दोनों कोण जो है आसन्न कोण है जो कि एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो x और 50 डिग्री का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ रैखिक युग्म बन रहा है, रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। आप देख सकते हैं चित्र में x और 50 डिग्री ये दोनों ही आसन्न कोण हैं और ये दोनों ऐसे आसन्न कोण हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं इनकी एक उभयनिष्ठ भुजा है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष है और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत किरणें हैं, इसलिए ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अब यहाँ से 50 डिग्री को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो जाएगा, यानी x का मान 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं x और y आपको ज्ञात हो गया, x बराबर 30 डिग्री जबकि y बराबर 130 डिग्री है। अब आपको पता है कि यदि आपको पता है कि यहाँ पर 180 में से 150 में से 50 घटाएंगे तो 130 डिग्री आएगा। तो आप देख सकते हैं कल हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर इस प्रकार प्रच्छेद करती है कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर x कोण जो है वो 130 डिग्री के संगत कोण होगा और x कोण 130 डिग्री के बराबर है, इसलिए AB रेखा CD के समांतर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं यदि तिर्यक रेखा दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म समान हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि जो x कोण है वो 130 डिग्री के बराबर है, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं ये x के संगत कोण 130 डिग्री है, ये संगत कोण है और x का मान भी यहाँ पर से आप देख सकते हैं 30 डिग्री है, इसलिए ये संगत कोण बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि AB रेखाएं CD के समांतर होगी,
क्योंकि x बराबर 130 डिग्री संगत कोण, संगत कोण समान है, इसलिए AB रेखा CD के समांतर है। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में दिया है, एक रेखा AB है और एक CD है और ये इसकी तिर्यक रेखा है। यहाँ पर ये कोण 50 डिग्री है, ये x दिया है, ये y दिया है, ये 130 डिग्री दिया है। अब आपको x और y का मान निकालना है और ये दिखाना है कि AB रेखा CD के समांतर है। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि y और 130 डिग्री ये दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं तो उनसे ये दोनों जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जिनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ वाई कोण 130 डिग्री के बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कोण x और कोण 50 डिग्री ये दोनों एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये दोनों आसन कोण हैं। आसन कोण इस टाइप के हैं कि इसमें शीर्ष उभयनिष्ठ है, एक भुजा उभयनिष्ठ है और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत किरण है, इसलिए ये दोनों आसन कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इनका योगफल 180 डिग्री होगा, यानी x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 50 डिग्री को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 180 में से 50 डिग्री घटाएंगे तो 130 डिग्री आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर x और y का मान हमको प्राप्त हो गया। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि AB रेखा CD के समांतर है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको कल जो प्रमेय आपने पढ़ी थी वो पता होनी चाहिए। उस प्रमेय में बताया गया था कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो वे रेखाएं समांतर होती है। यहाँ आप चित्र से देख सकते हैं कि एक्स के संगत कोण 130 डिग्री है, x के संगत कोण 130 डिग्री है और x भी 130 डिग्री के बराबर है, इसलिए ये दोनों संगत कोण बराबर हैं, संगत कोणों का एक समान है, इसलिए AB और CD समांतर होंगे। धन्यवाद।